और आपके हाथ में ये कंगन देखकर हमारी अम्मा धन समझ बैठी। Exactly. वैसे इस कंगन में ऐसी क्या खास बात है? वो बम्बई की जब शहरी लड़कियां हमारी अम्मा के जाहिर होने पर उनकी खिली उड़ा रही थी ना, अली ने हमारी अम्मा का पक्ष लिया था। एक ही नजर में भाग गई थी वो, पर साहिल की बात छेड़ते ही पता नहीं क्यों भाग गई और कंगन छोड़ गई। जी, मेरा नाम है करण सूचक और शो है मेरी हानिकारक बीबी, जिसमें मेरा किरदार का नाम है अखिलेश पांडे। ये जो ये शो है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही अलग किस्म का शो है जो पहली बार इंडियन टेलीविज़न पर आ रहा है। खुशी की बात यह है कि आज से पहले कभी इस तरीके का शो कभी दिखाया गया नहीं है। तो जब मुझे इस शो के लिए बुलाया गया था तो इट वाज़ वेरी कन्विंसिंग फॉर मी कि इस तरीके का शो पहली बार इंडियन टेलीविज़न पर लाया जा रहा है, जो काफ़ी बोल्ड और मैं बोल्ड नहीं कहूँगा बट काफ़ी यूनिक है। अगर आप न्यूज़ में इसके बारे में पढ़ोगे तो आपने सुना होगा कि ये कहीं ना कहीं नसबंदी से रिलेटेड है। तो आप देखोगे कि हम कैसे हल्की फुल्की तरीके से एक कॉमिक तरीके से इस शो को दर्शकों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट्स अ कॉमेडी शो बट एट द सेम टाइम इसमें काफ़ी कुछ ड्रामा है, काफ़ी कुछ इमोशंस है जो हर कोई सदस्य इससे कनेक्ट कर पाएगा। माँ के कंगन का क्या रहस्य चल रहा है अभी? जी, ये तो आप जब एपिसोड्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी कहानी तो अभी शुरू होगी 4 दिसंबर से 10 बजे मंडे टू फ्राइडे। ये बहुत आगे की कहानी है जो माँ के कंगन के बारे में आप पूछ रहे हो। तो ये अब धीरे धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ रही है, ये लड़का जो है अखिलेश पांडे, ये बनारस का बैकग्राउंड है इसका, बनारस से है। ये जब बम्बई आता है तो इसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है, वो उसको शादी करने पे मजबूर किया जा रहा है या फिर वो शादी करनी पड़ रही है उसको, आप देखोगे कि कैसे कहानी आगे बढ़ रही है। ये जो आप सीन्स देखोगे, अभी फ़िलहाल जो मैं सीन कर रहा हूँ वो है एक कंगन का सीन है, जहाँ पर एक जो लड़की मेरी मॉम को पसंद आ गई है, जो मेरी अम्मा को पसंद आ गई है, गलती से उसका कंगन किसी और के हाथ में आ गया है और वो लड़की दुल्हन बन के घर पर आ गई है। मतलब शादी से पहले अम्मा को लगा कि ये दुल्हन है मेरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जहाँ पर मैं वो खुलासा कर रही है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ, ये कंगन जो है वो किसी और का है। तो ये सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा है। अगर ये दुल्हन बन जाती है तो क्या बवाल हो जाएगा? हाँ, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वो लड़की है ही नहीं जो अम्मा को पसंद आई थी ये।